What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 21 सितंबर 2020 मंडे है, सुबह के 8:48 हो रहे हैं। पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। देखते हैं सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाकर आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा सा लेट आ सकता है आज का ये वीडियो। ये एक पिक्चर है ये फ्राइडे का, यानी 18 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो देखना है आपको तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,570 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,496। शुरू में तो फर्स्ट सेशन में काफ़ी एक साइडवेज पैटर्न, एक चॉपिनेस निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा था। ब्रेकआउट लेवल को लगातार ये पेनेट्रेट कर रहा था, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था, लगातार यहाँ पर पेनेट्रेशन हमें देखने को मिला और बाद में एक सडन स्टीप फॉल हमें देखने को मिला। एक एफआई ने जबरदस्त जमकर सेलिंग वहाँ पर की, उसके कारण एक जबरदस्त स्टीप फॉल हमें देखने को मिला। तभी ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,480 और सेकेंड टारगेट 11,461 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते अराउंड 16 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को फिर से एक बार तीसरे दिन अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, नास्डैक 117 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट लास्ट कुछ दिनों से लगातार कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 45 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स वहाँ पर छुट्टी है आज, तो जापान में कोई कामकाज आज देखने को नहीं मिल सकता। और ओवरऑल एशियाई बाजार देखे तो थोड़ी सी वहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर को देखे तो 88 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से फिलहाल थोड़े से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट पहले देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका 123.6% का जो लेवल है 11,750 के पास आ रहा है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करके एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन दिखा रहा है। अभी इतना जब यहाँ से ये इधर तक बढ़ गया है तो एक यहाँ पर करेक्शन आना, एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी होता है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो है, ये तीनों भी यहाँ पर ये अभी अपसाइड स्ट्रक्चर यानी असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर अभी अपने प्लॉट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो करेक्शन आ रहा है, तो ये इतने बड़े बढ़त के बाद यहाँ पर करेक्शन आना लाजमी होता है। तो ऊपर जाते वक्त इसको 11,750 जहाँ पर इसने यहाँ से फॉल दिखाया है, ऑलमोस्ट 11,800 के पास, तो 750 टू 800 एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। उसको अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से 12,000 के लेवल के पास फिर से एक बार हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अभी लास्ट वीक यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया 11,200 के पास, जहाँ पर इसने कुछ हफ्ते पहले एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल फेस कर रहा था। तो अभी 11,200 एज पर वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इतने बड़े बढ़त के बाद एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है। जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड का बन रहा है, तो करेक्शन आता है 11,200 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे फर्स्ट एज पर वीकली चार्ट 10,900 का सपोर्ट होगा अगर 11,200 को ब्रेक करता है तो। और ये जो यहाँ पर स्विंग हाई बना है इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें ऊपर की तरफ और निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हो सकता है ये जो रेंज बन रहा है इसमें साइडवेज पैटर्न हमें फिर से एक बार देखने को मिले। साइडवेज पैटर्न बनने के बाद हमें ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पर कुछ हफ्ते एक 11,200 को ये पेनेट्रेट कर रहा था और जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला तो निफ्टी इंडेक्स में हमें और ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिली। तो अभी नेक्स्ट हर्डल 11,750-800 के पास है, जिसको पार करेगा निफ्टी इंडेक्स, सस्टेन करेगा इसके ऊपर, तो हमें 12,000 तक के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी एशियाई बाजार देखे, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी कमजोरी है, तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिले। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेली चार्ट में जो सपोर्ट आ रहा है, अभी फ्राइडे को भी देख सकते हैं एग्जैक्ट, ये 20 AMA का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड 11,435 के पास है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ निफ्टी इंडेक्स, यहाँ से जो बाउंस बैक हमें देखने को मिला था 11,200 के पास ही, ये 50 AMA आ रहा है जहाँ पर हमने देखा वीकली चार्ट में जो सपोर्ट आ रहा था
है ना। तो यहाँ पर ये 11,200 के पास 50 EMA आ रहा है, तो 11,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 11,435 ब्रेक होता है तो ये डेली चार्ट का सीनारियो और वीकली चार्ट का सीनारियो था। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आर्ली चार्ट को देखें तो अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म के बीच में। तो कंफर्टेबली इनको ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,466 के नीचे, 465 के नीचे चला जाता है तो वही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,446। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,428। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, यानी 11,540 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, आप देख सकते हैं फ्राइडे को इसी लेवल के पास आके ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर फ्राइडे को सपोर्ट का टेस्ट कर रहा था, वो लेवल अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो 11,540 को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,560। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, जो कि 11,577 के पास है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।